आंदोलन को नई दिशा दो। अगर ब्राह्मण हमको हमारे हक और अधिकार नहीं देता तो हमको ब्राह्मणों के ये काल्पनिक देवी देवता नहीं चाहिए, हम हिंदू नहीं है। बाद में आप जाते हो तो कोई भी धारा लगाकर आपको फिर से अंदर डाल दिया जाएगा। इस तरह के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखी है। तो मैं इस बात का समर्थन करूं या विरोध करूं? क्या मैं कहूं कि चलो जेल में? हम लोगों को सोच समझ कर पैर उठाने होंगे। अगर वो हमको वहां पर आने से रोक रहे हैं, उस तरह का जजमेंट दे रहे हैं, तो हमको अपना आंदोलन संवैधानिक माध्यम से किसी और तरीके से हम लोगों को अधिकार प्राप्त करने होंगे। हमारे बच्चे ही जेल में चले गए तो आंदोलन क्या हमारी माताएं करेंगी? क्या हमारे बूढ़े करेंगे? मुझे जरूरत है आप लोगों की, आप लोगों के बाहर रहने की। आप लोग अंदर चले गए, यह सरकार आपको बाहर नहीं निकालेगी। मुझे जरूरत है आप लोगों की फील्ड में। आप लोग ही अंदर चले गए तो यह आंदोलन कैसे खड़ा होगा? हम लोगों को बाबा साहब को भावनिक आंदोलन में नहीं उलझा के रखना, भावनिक आंदोलन में नहीं उलझा के रखना। देखिए, महाड़ के चौदार तालाब के आंदोलन के बाद बाबा साहब के ऊपर उस ब्राह्मणों ने कोर्ट में याचिका डाल दी और कोर्ट ने कहा कि अगर आप महाड़ के चौदार तालाब पर गए तो आप लोगों को अरेस्ट कर देंगे। वो अंग्रेज अधिकारी बाबा साहब के पास आया, पुलिस ऑफिसर, और बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब, हम आपके अधिकारों के बीच में नहीं है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप चौदार तालाब पर जाओगे तो हम सभी लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। बाबा साहब ने देखा हमारा आंदोलन तो इनके खिलाफ नहीं है, हमारा आंदोलन तो ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन ब्राह्मणों ने कोर्ट में केस कर दी है, इसलिए हमारी लड़ाई अब पुलिस से हो रही है, न्याय व्यवस्था से हो रही है। बाबा साहब ने कहा, सभी लोग बाबा साहब को घेर कर बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हम महाड़ के चौदार तालाब पर जाएंगे, हम महाड़ के चौदार तालाब पर जाएंगे, हम अरेस्ट हो गए तो भी हो जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे। बाबा साहब ने कहा, नहीं, अगर कोर्ट ने मनाई की है तो हम नहीं जाएंगे। तब बाबा साहब ने क्या किया पता है? क्या किया? 25 दिसंबर की उस रात को बाबा साहब ने देखा, अगर तुम हमको महाड़ के चौदार तालाब पर जाने से रोकते हो तो हम हमारे आंदोलन की दिशा बदलते हैं। बाबा साहब ने उस दिन महाड़ के चौदार तालाब पर मनुस्मृति को जला डाला। बाबा साहब अमर रहे। आज भी सुप्रीम कोर्ट हमको गुरु घर पे जाने से रोक रही है। मत जाओ गुरु रविदास जी के तुगलकाबाद के जमीन पर, मत जाओ। आंदोलन को नई दिशा दो। अगर ब्राह्मण हमको हमारे हक और अधिकार नहीं देता तो हमको ब्राह्मणों के ये काल्पनिक देवी देवता नहीं चाहिए, हम हिंदू नहीं है, नहीं चाहिए हमको। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।